वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने एक इजी वे में ये जानने की कोशिश की थी कि हम अगर बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको किस तरीके से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ती हूँ और ये बताती हूँ कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है उसको आप क्लासीफाई करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा होती है मगर हर चीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए। तो अगर आप देखें कि जो बैक्टीरिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो कोकाई जिसकी शेप इस तरीके की गोल होती है और एक बेसिलाए जो कि इस तरीके का लंबा होता है। तो अभी हम बेसिलाए की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे जो लंबे बैक्टीरिया हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो कि जो गोल वाले बैक्टीरिया होते हैं जो बॉल जैसे दिखते हैं इन द माइक्रोस्कोप, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जब उनकी स्टेनिंग की जाती है स्लाइड की तो वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दो टाइप के कोकाई आपको दिखेंगे। अगर आपका कोकाई पर्पल कलर का है और इस तरह क्लस्टर में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, स्टेफाइलो कोकाई। तो पर्पल वाले बैक्टीरिया हो गए, एक तो पर्पल और गोल्ड वाले हो गए, वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो गए। इसी तरीके के आपको स्लाइड में कई बार पिंक कलर के भी दिख जाते हैं और अगर वो ग्राम निगेटिव कोकाई हैं तो फिर हम उनको नाम देते हैं नाइसीरिया, नाइसीरिया मैनेजिटाइटिस और नाइसीरिया गोनोरी। इनके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि गोनोरी गोनोकोकस गोनोरिया कराता है और जो आपका मैनेंजाइटिस होता है जिसे मैनेंगोकोकस भी बोलते हैं वो आपका मैनेंजाइटिस कराता है, ब्रेन का इन्फेक्शन जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं। उसके बाद में अब आप आ गए स्टेफ और स्ट्रेप्टो जो बहुत ही बीएमएलटी या जो बीपीटी इन सब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जानना, जिसमें बहुत डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले जब किसी भी बैक्टीरिया को जानना है तो हम पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या बताना है कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो अगर आप स्मियर बना के माइक्रोस्कोप में देखें तो आप याद रखें M से मॉर्फोलॉजी और M से माइक्रोस्कोप। कई बार बच्चे बहुत गलती करते हैं, कोई मॉर्फोलॉजी पूछते हैं एग्जामिनर और वो बताते हैं कि ब्लड एगर पे किस तरीके की कॉलोनी दिख रही है, तो भूल जाइए इस बात को मत। जो मॉर्फोलॉजी पूछ रहा है यानी कि एक बैक्टीरिया की शक्ल कैसी है, और एक बैक्टीरिया कभी भी आपको अपनी आंखों से नहीं दिखता, तो ब्लड एगर पे जो दिख रहा है वो एक बैक्टीरिया नहीं है, भूल जाइए। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया अगर आप बता रहे हैं तो वो स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह का बैक्टीरिया है। तो आप बताएंगे कि जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो कैसा होता है, पिन हेड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। अगर आप आलपिन की पिन लें तो उसकी जो ऊपर का टॉप होता है उसके साइज का पिन हेड कहलाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा बड़ा होता है और इसका जो स्टेफ होता है और जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो बहुत छोटा होता है। दूसरी चीज स्लाइड में हम साइज के अलावा क्या देख सकते हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट आपको कैसा दिखता है कि ये क्लस्टर में होता है जबकि स्ट्रेप्टोकोकस आपको चेन में दिखाई देते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। ठीक, तो ये स्टेफ दोनों ही ग्राम पॉजिटिव होंगे, पर्पल कलर के तो दिखेंगे मगर ये क्लस्टर में दिखेगा और ये जो है ये आपको दिखेगा चेन में। फिर आपके पास आया दूसरी चीज, हम बताते हैं कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब हम उसको ग्रो करेंगे बैक्टीरिया को अपने किसी मीडियम पे तो वो कैसा कॉलोनी बनाएगा। तो उसमें आप आपको मीडियम के नाम लिखने होंगे जो आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट एगार होता है, ब्लड एगार होता है, मेकॉनकी होता है, मगर स्टेफ में आप ये सारे मीडियम लिखेंगे। मगर भूल जाइए कि स्ट्रेप्टो में आपको सिर्फ ब्लड एगर लिखना है क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस सिर्फ ब्लड एगर पे ग्रो करता है। तो जो बच्चे ये ब्लंडर करते हैं एग्जाम में वो नहीं करना क्योंकि न्यूट्रिएंट एगार पे और मेकॉनकी एगार पे स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो नहीं करेगा, तो आपको उसमें सिर्फ ब्लड एगर लिखना है। न्यूट्रिएंट एगर पे जब आप स्टेफ को देखेंगे तो उसकी गोल्डन पिन हेड कॉलोनी आएगी। ब्लड एगर पे जब आप देखेंगे तो स्टेफ के अंदर भी दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो स्टेफ ऑरियस जो बहुत पैथोजेनिक होता है
और दूसरा होता है बाकी सारे जो स्टैफ होते हैं जो आजकल हॉस्पिटल इन्फेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, दैट इज़ कॉगलेज निगेटिव स्टैफ। तो वो जो है वो तो नॉन हीमोलिटिक होगा, और जो स्टेफ ऑरियस है वो ब्लड एगर पे हीमोलिटिक होगा। तो और जो स्टेफ ऑरियस है वो गोल्डन कलर की पिंक कॉलोनी देगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि कॉलोनी किस कलर की है, क्योंकि स्टेफ ऑरियस पिगमेंट प्रोड्यूस करता है गोल्डन कलर का। तो कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप ये याद रखिए कि स्टेफ ऑरियस गोल्डन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑरियस, ना कि सारे स्टेफ, सारे स्टेफाइलोकॉकस नहीं, सिर्फ ऑरियस। और जो कॉगलेज निगेटिव स्टेफ होते हैं वो वाइटिश ही रहते हैं, ग्रेइश ही रहते हैं, वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरा, ब्लड एगर पे बीटा हिमोलिसिस दिखाता है स्टेफ ऑरियस, जबकि बाकी सारे जो कॉगलेज निगेटिव स्टेफ होंगे वो हिमोलिसिस नहीं दिखाएंगे। ये बात भी आपको ब्लड एगर पे लिखनी होगी स्टेफ के बारे में, मैकोन की अगार पे स्टेफ ग्रो नहीं करता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आ गए स्ट्रेप्टो पे। स्ट्रेप्टो की जब आप कल्चरल करेक्टरिस्टिक बताएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट एगर और मैकोनकी का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ स्ट्रेप्टो सिर्फ ब्लड एगर पे ग्रो करता है, वो एनरिच्ड होता है। दूसरा, जिस तरह स्टेफ सिर्फ बीटा हिमोलिसिस दिखा रहा था या फिर कॉगलेज निगेटिव स्टेफ दिखा ही नहीं रहा था, इसी तरीके से ब्लड एगर पे तीन तरीके की हिमोलिसिस दिखाता है स्ट्रेप्टो। अल्फा दिखा सकता है, बीटा दिखा सकता है, गामा दिखा सकता है। जो अल्फा दिखाते हैं यानी कि जिनकी हिमोलिसिस ग्रीनिश ग्रीनिश होती है, उनमें आप दो नाम याद रखेंगे, एक तो विरिडांस और एक न्यूमोकोकस। तो स्ट्रेप्टो के बहुत सारे अंदर ग्रुप्स होते हैं। तो अल्फा अगर ब्लड पे दिख रही है और पिन पॉइंट कॉलोनी दिख रही है तो वो किसके फेवर में जाती है, या तो विरिडांस या न्यूमो। एक अगर बीटा है तो ग्रुप ए या ग्रुप बी, और अगर गामा है यानी कि हिमोलिसिस है ही नहीं और पिन पॉइंट कॉलोनी आ रही है ब्लड एगर पे, तो वो है एंट्रोकोकस। ठीक, अब एंट्रोकोकस की एक खासियत होती है कि ये जो है ये अल्फा भी होता है, बीटा भी प्रोड्यूस करता है और गामा भी प्रोड्यूस करता है। तो जो टेस्ट आप इसको कंफर्म करने के लिए लगाएंगे वो आप सब में लगा दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो आपका स्टेफ और स्ट्रेप्टो का दोनों का चल रहा है उसमें आपको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है। आपने देख लिया कि वो क्लस्टर में होता है, वो चेन में होता है। स्टेफ इज इन क्लस्टर, और जो आपका ब्लड एगार है उसमें भी ग्रो करेगा, न्यूट्रिएंट एगार में भी ग्रो करेगा और मैकोनकी में भी ग्रो करेगा, वो क्या होगा, स्टेफ। जबकि अगर खाली ब्लड में ग्रो किया है तो वो होगा स्ट्रेप। अगर पिन हेड कॉलोनी आई है तो वो होगा स्टेफ, और अगर पिन पॉइंट कॉलोनी आई है बहुत फाइन तो वो होगा स्ट्रेप। तो ये दोनों वर्ड याद करने वाले हैं, पिन हेड यानी कि ऑल पिन के पिन का जो ऊपर का टॉप होता है पिन हेड, और अगर उसके नीचे का पॉइंट देखा जाए तो वो पिन पॉइंट। तो ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें जब आप अपना आंसर लिखें। फिर हम लगाएंगे बायोकेमिकल टेस्ट। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्टेफ ही है या ये स्ट्रैप ही है। फिर हम एक टेस्ट करेंगे जिसका नाम आप सबने पढ़ा है, कैटलेस। कैटलेस पॉजिटिव होगा स्टेफ में जबकि निगेटिव होगा स्ट्रैप में। तो इसको लर्न करने का एक तरीका है कि आप एक ही को याद कर लीजिए। अगर आपको स्टेफ याद करना है तो आप स्टेफ को याद करिए कि स्टेफ में कैटलेस पॉजिटिव होगा, तो फिर दूसरे वाले में उसका ऑपोजिट होगा। अब हम आए कॉगलेस के ऊपर। कॉगलेस जो टेस्ट होता है वो हम स्ट्रेप्टो में करते ही नहीं है। कॉगलेस का टेस्ट हम करते हैं स्टेफ ऑरियस को, जो ये जो ऑरियस होता है इसको बाकी सारे जो स्टेफ कॉगलेस निगेटिव स्टेफ, जो कॉगलेस निगेटिव नाम ही ये है, कॉगलेस निगेटिव जो होंगे वो सारे कॉगलेस निगेटिव स्टेफ कहलाएंगे। यानी कि इन टेस्ट में, इन सारे स्टेफ में कॉगलेस का जो टेस्ट होता है वो निगेटिव आता है। स्टेफ ऑरियस में कॉगलेस पॉजिटिव आता है। मैनिटॉल जो हम लगाएंगे वो भी स्टेफ ऑरियस में पॉजिटिव आएगा, बाकी सारों में निगेटिव आएगा। अब अगर आप बायोकेमिकल टेस्ट इसके लिखेंगे स्ट्रेप्टो के, तो उसमें आप देखेंगे कि
सबसे पहले हम चलते हैं जो अल्फा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप पहले देखेंगे कि वो अल्फा हिमोलिटिक है या बीटा हिमोलिटिक है या गामा हिमोलिटिक है। तो अगर अल्फा होगा तो विरिडांस हो सकता है, न्यूमोकोकस हो सकता है, और क्योंकि एंट्रोकोकस में तीनों होती हैं तो एंट्रो तो तीनों में ही नाम जोड़ दीजिए आप, अल्फा में भी, बीटा में भी, गामा में भी। तो आपने विरिडांस और न्यूमो याद किया अल्फा में, और क्योंकि एंट्रो सब करता है एंट्रो को सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए आप। इसमें आप ऑप्टोचिन लगाएंगे और बायल सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। ऑप्टोचिन टेस्ट और बायल सॉल्युबिलिटी दोनों ही न्यूमो में पॉजिटिव आते हैं, पी से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस में आएंगे, न्यूमो में, इसमें आएंगे नेगेटिव, तो पी वाले में पॉजिटिव आते हैं, तो इन दोनों को याद रखिए। तीसरा टेस्ट हम ये देखने के लिए लगाएंगे कि कहीं एंट्रो तो नहीं है, तो आपको बायल एस्कुलिन लगाना होता है जो कि आपको कंफर्म कर देता है कि वो एंट्रोकोकस है, ये दोनों नहीं है। अब आपका आ गया बीटा, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस अगर आपको दिख रहा है पिन पॉइंट कॉलोनी ब्लड एगर पे आई है और बीटा हिमोलिटिक है, तो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है ये दोनों कौन से होंगे। ये बहुत पूछा जाता है कि अगर अल्फा हिमोलिटिक है तो कौन से होंगे, बीटा हिमोलिटिक है तो कौन से होंगे, नाम बताइए। तो आप बताएंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी जो होते हैं वो बीटा हिमोलिटिक होते हैं। ग्रुप ए का नाम बताइए तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, और ग्रुप बी का नाम बताइए तो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टे। पायोजीन्स को कन्फर्म करने के लिए बेसी ट्रेसिन लगाते हैं, और एगलेक्टे को कंफर्म करने के लिए, ग्रुप बी को कंफर्म करने के लिए कैंप टेस्ट लगाते हैं। ये सब आपको लर्न करना ही होगा, ठीक, और ये इतना ज़रूरी होता है जानना। एंट्रोकोकस क्योंकि तीनों टाइप की हिमोलिसिस प्रोड्यूस करता है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस में ग्रुप में आता है जो कि तीनों हिमोलिसिस दिखाता है, तो आप बताएंगे एंट्रोकोकस। ये अल्फा टाइप की हिमोलिसिस भी प्रोड्यूस कर देता है, कभी चाहता है तो बीटा भी होते हैं, कुछ इनमें गामा भी होते हैं। अब अगर एंट्रोकोकस आपको देखना है कि एंट्रोकोकस है या नहीं, तो हम कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे, उसका नाम अगर पूछेगा एग्जामिनर या आपको कहीं पे लिखना है, तो वो होता है बाइल एस्कुलिन। जब भी आपको एंट्रोकोकस कंफर्म करना हो तो आप बाइल एस्कुलिन टेस्ट लगा दीजिए। ये सारे टेस्ट हम एक एक करके अलग से डाल देंगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें कि विरिडेंस को न्यूमो से कैसे अलग करेंगे और बीटा में, मगर ये जो चीज़ है ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रहनी चाहिए। तो जब भी किसी बैक्टीरिया को आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पढ़िए मॉर्फोलॉजी, एम फॉर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, ठीक है। फिर दूसरा आप बताएंगे उसको आपने जब कल्चर किया तो उसकी कॉलोनी कैसी दिख रही है। तीसरी चीज़ आप क्या बताएंगे कि आप उसको बायोकेमिकल टेस्ट क्या लगाएंगे। चौथा आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या विरुलेंस फैक्टर्स हैं, यानी कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे कि वो आपके शरीर को या आपके सेल्स को नुकसान पहुंचा के आपके अंदर बीमारी करेगा, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से आपके शरीर में नुकसान पहुंचाएगा, दैट इज़ पैथोजेनेसिस, कि वो करेगा क्या, वो सारी चीज़ें जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उनसे आपकी बॉडी के सेल्स में या किस टाइप की बीमारियां करेगा, उसको कहते हैं पैथोजेनेसिस। फिर आप पढ़ेंगे, अब आपने पढ़ लिया कि आपके शरीर में क्या हो गया है, तो आपके पास एक ही चीज़ बचती है कि एक तो इस बीमारियों से बचा कैसे जाए, जो होता है वैक्सीनेशन, और दूसरा कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, जो होता है एंटीबायोटिक्स। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और फिर हम मेन पॉइंट्स स्टेफ को स्ट्रेप्टो से डिफरेंशिएट करने के जो चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे।